हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? आज के इस आपके फेवरेट एपिसोड में लेकर आया हूँ कमाल के यूजफुल, पावरफुल एंड तगड़े वाले एंड्रॉइड एप्स। और ये सभी एप डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे। और हाँ, अर्निंग एप भी है जो कि सरप्राइज एप की जगह पर है। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो अभी। मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EFS। पहला एंड्रॉइड ऐप है, ये बहुत यूजफुल है, जो कि है सेसामी। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद परमिशन दे देना, उसके बाद आपके राइट साइड में एक जेस्चर इनेबल होगा जो आपको दिखेगा नहीं, मिस्टर इंडिया होगा। बस आपको क्लिक करना है, एक सर्च बार इनेबल हो जाएगा। अब इस सर्च बार से आप जो है ना भाई, कुछ भी सर्च कर सकते हो। नहीं, आप कुछ ऐसा वैसा सर्च मत करना। बेसिकली ये क्या काम करता है ऐप, इसको आप यूनिवर्सल सर्च समझ सकते हो। जो भी चीज आप सर्च करोगे ना, उस नाम का कोई ऐप है, कोई फाइल है आपके फोन में, फोटो है या कॉन्टेक्ट है, वो सभी चीजें दिख जाएंगी। या आपके फोन में वो नहीं है तो आप डायरेक्ट नीचे क्लिक करके उसको सर्च कर सकते हो इंटरनेट पर, यानी कि गूगल पर। फॉर एग्जांपल कोई ऐप ओपन करना है तो आप सर्च करके ऐप ओपन कर सकते हो। किसी को कॉल लगाना है तो डायरेक्टली यहाँ से सर्च करके उसको यहीं से सीधा कॉल लगा सकते हो। गूगल पर कुछ सर्च करना है तो वो भी आप सीधा इसी सर्च से ही सर्च कर लो डायरेक्ट गूगल पर। आपको अलग अलग ऐप की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं अलग अलग काम करने के लिए, क्योंकि सब कुछ आप एक ही सर्च बार से कर सकते हो। आप चाहे इसका विजेट जो है ना होम स्क्रीन पर लगा सकते हो, जो गूगल का सर्च बार होता है उसकी जगह पर आप इसको लगा लो, जो भी आपके खुटर चुटर मुटर वाले काम है उसको कर डालो। ट्राई करना, और भी कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट वाला ये ना बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अगर आपको एक अच्छा PDF स्कैनर चाहिए ना, तो इसको ट्राई करो, VFLED। खास बात इस ऐप की ये है कि ये कम्प्लीटली फ्री है, कोई एड देखने को नहीं मिलता है और क्लीन UI है। अब इसके जो काम है वो भी कमाल के हैं। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर दें तो उसको ये ऑटोमेटिक स्कैन करके, बॉर्डर को क्रॉप करके ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है, आपको कैप्चर करने की जरूरत नहीं। अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसके कुछ पेज आपको PDF में कन्वर्ट करना है, फोन में उसका प्रिंट आउट निकालना है और नंबर वाइज नंबर हो वो, तो सिंपली आप इस ऐप की मदद से कर सकते हो। पेज पलटते रहिए और ये ऑटोमेटिक उसको स्कैन करके कैप्चर करता रहेगा, और बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। ऑटोमेटिक उसको एनालाइज कर लेता है, बॉर्डर किधर है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है, सब कुछ ये ऑटोमेटिक कर लेता है और बहुत हाई क्वालिटी में स्कैन करता है। आप इसको PDF में सेव कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। इसके अलावा जो पेज में टेक्स्ट है ना, उसको रिकॉग्नाइज करना है तो भाई उन टेक्स्ट को भी ये उठा लेता है, उनको आप चाहे कॉपी करो या उसको आप टेक्स्ट फाइल में सेव करो। और मोर पर क्लिक करेंगे तो आप उस फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, ZIP में भी कन्वर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो और क्वालिटी को भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। भाई बहुत तगड़ा, बहुत यूजफुल है, कोई एड नहीं है और बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। और ये ऐप जो है ना स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, और आप तो स्टूडेंट्स ही होंगे। कमेंट करके बताओ कौन क्या कर रहा है। हाँ, और हाँ, सब्सक्राइब किस किसने किया है या नहीं किया है वो भी बताओ। बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नेक्स्ट Spotify। अब आप कंफ्यूज हो रहेंगे, Spotify क्या है? Spotify होता है और MX Player टाइप का कोई ऐप होता है। Spotify क्या है? ये मिक्सर है भाई। इस ऐप की मदद से आप ऑफलाइन म्यूजिक प्लेलिस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। इस ऐप को ओपन करना और ये ऐप जो है ना JioSaavn, Spotify, Gaana.com, इसके अलावा और भी कई म्यूजिक प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, जो वीडियो प्लेटफॉर्म है ना उनको भी सपोर्ट करता है, और उन सभी प्लेटफॉर्म के म्यूजिक एक ही क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर Spotify पर क्लिक करेंगे या जो भी आपकी प्लेलिस्ट फेवरेट है उस पर क्लिक करना। शेयर पर क्लिक करेंगे तो Spotify पर क्लिक कर देना, यहाँ से आप उनको सुन सकते हो। और साइड में आपको डाउनलोड का बटन दिखता होगा, डाउनलोड ऑल का बटन दिखता होगा, क्लिक करके कर सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे प्लेटफॉर्म के वीडियो या ऑडियो के लिंक कॉपी पेस्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बता सकता मैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लो, आईडी आपकी स्क्रीन पर, वहां पर मैंने रील बनाई है। ये ऐप कहां से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप से क्या क्या कर सकते हैं, आईडी आपकी स्क्रीन पर, फॉलो कर लो, ठीक है? सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई सारी चीजें वहां पर मिलती है रील में, है ना, पता होगा आपको अगर फॉलो किया। हाँ जी, बारी आ चुकी है अर्निंग एप्लीकेशन की। और भाई ये तो बहुत सिंपल अर्निंग ऐप है, इससे ज्यादा सिंपल क्या ही होगा, पिछली दो वीडियो में बता चुका हूं। और उन ऐप से आप कुछ कमा नहीं पा रहे हो, जबकि आप उन ऐप की मदद से करियर बिल्ड कर सकते हो। लेकिन आपको चुटर मुटर खुटर पैसे चाहिए तो इस ऐप को ट्राई कर लेना। टास्क, बस इसके अंदर छोटे मोटे या मोटे मोटे आपको टास्क कंप्लीट करना होंगे, और टास्क भी काफी इजी होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन सर्वे भी होते हैं, आप ऑनलाइन सर्वे करते हैं, जैसे कि ये वाला सर्वे आपके ऊपर ही है कि आप इंटरनेट पे क्या देखते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं,
बस आप क्लिक करते रहिए, आंसर देते जाइए और जितने का भी वो टास्क होगा उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे टास्क मिलते हैं, कई टास्क होते हैं। कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है, कुछ देर उस पर सर्फ करना होगा, कई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसमें अकाउंट बनाना होगा, कई टास्क ऐसे भी हैं जहां पर आपको गेम इंस्टॉल करके उस पर गेम खेलना होगा थोड़ी देर। और जितने का भी वो टास्क होगा उतने रुपए आपको तुरंत इस ऐप के अंदर मिल जाएंगे। और ये 33 से 38 रुपए मैंने कमाए हैं ना, वीडियो बनाते बनाते कमाए हैं इतनी देर में। और यहाँ पर आप अपने दोस्तों को ये ऐप रेफर करके भी पैसे कमा सकते हैं और इजिली अपने पेटीएम पर उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और पेटीएम नंबर से ही इस ऐप में साइन अप करना तो ज्यादा बेटर है। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट कोडोरा, ये एक क्यूआर कोड जनरेटर ऐप है। इसकी मदद से आप किसी भी चीज का क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। जैसे कि जनरेटर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप टेक्स्ट या ऐप, वाईफाई, कॉन्टेक्ट, इवेंट या किसी लोकेशन का आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। ये बहुत यूजफुल है, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग काम के लिए काफी यूजफुल ऐप हो सकता है। लेकिन आप इस ऐप की मदद से कमाल की ट्रिक बना सकते हो भाई। यहाँ पर मान लीजिए आप अपनी बाबू शोना से बातें करते हैं और आपकी शोना या फिर बाबू किसी और के फोन से बातें करती और आपको लगता है यार एक अर्जेंट मैसेज देना है, कोई कुछ विश करना है और भैया कोई और पढ़ लेगा तो लठ पहले जाएंगे तो आप सीक्रेट मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर वो मैसेज टाइप कर देना, आपका जितना लंबा चौड़ा प्यार तगड़ा वाला वो मैसेज यहाँ पे जो भी आपको लिखना वो मैसेज टाइप कर देना, जनरेट क्यूआर कोड पर जनरेट कर देना, एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, उसको भेज देना और उसको किसी भी तरह से बता देना कि भैया इस क्यूआर कोड को किसी भी ऐप की मदद से स्कैन कर ले, या तो ऐसी ऐप इंस्टॉल कर ले या सीधा उस क्यूआर कोड को व्हाट्सएप में टैप एंड होल्ड करके 3 डॉट पर क्लिक करके शेयर पर क्लिक करे और एक लेंस का आइकन मिलेगा जो कि हर एंड्रॉइड फोन में लेंस होता है, लेंस पर क्लिक कर दे और वो लेंस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेगा और नीचे मैसेज लिख कर आ जाएगा जो भी अपने अपने लिख कर भेजाओ। तो अगर लेंस नहीं भी है तो हर फोन में गूगल होता है और गूगल के पास में कैमरा होता है, वहां पर भी स्कैन हो जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हो आप इससे क्या क्या कर सकते हो, सीक्रेट चीजें यूजफुल काम में ले सकते हो। जितना आपका दिमाग खुरापाती है उतनी ज्यादा अच्छी चीजें आप कर सकते हो इस ऐप की मदद से। और क्यूआर कोड के अलावा डेटा मैट्रिक्स, पीडीएफ, ईएन कोड, यूपीसी कोड वगैरह भी आप जनरेट कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट का, या कोई डिटेल्स है उनका आप क्यूआर कोड या इस तरह के कोड को जनरेट करके प्रिंट निकाल के अपने प्रोडक्ट पर लगा सकते हो। देख लेना यार आपके किस काम में होगा। मुझे लगा मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इस ऐप की मदद से, ट्राई करना। सभी ऐप के वैसे लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको पता ही। आपको एक जादुई ट्रिक दिखाता हूँ। डायलर में जाता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ *333555*#*#*#, और आप देखेंगे मेरी खुफिया गुफा ओपन हो गई जिसमें मैं एक अपना पिन डालूंगा और यहाँ पर भाई मेरे सीक्रेट खजाने रखे हुए। यहाँ पर आप फोटो, वीडियो, ऑडियो या कोई भी फाइल को हाइड करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल कर लेना है, कंपस। जी हाँ, ये कंपस है। इस पर आप क्लिक करोगे ना तो ये नॉर्मली कंपस की तरह काम करता है, अलग अलग कलर में और काफी प्यारा सा कंपस है। नॉर्मली आपके फोन में कोई देखेगा उसको कंपस ही लगेगा, लेकिन इस पर आप टैप एंड होल्ड करते हो ना तो आपकी गुफिया नहीं, क्या नाम बोला तूने, नहीं पहले क्या बोला, गुफिया नहीं, खुफिया सुरंग ओपन हो जाती है जहां पर आप अपने प्राइवेट फोटोज, वीडियोस वगैरह हाइड करके रख सकते हो। अब इसमें खास फीचर और है, आप किसी को शक है कि आपके फोन में कुछ ऐसा वैसा है लेकिन यहां पर तो पैटर्न है, पिन है, तो अगर कोई ट्राई करता है ना खोलने के लिए लोग तो उसका फोटो कैप्चर हो जाएगा और यहां पर सेव हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि कौन खुरापात आपकी जासूसी कर रहा है। इसको इनेबल कर देना। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपके होम स्क्रीन पर कंपस नाम का ससुरा कोई ऐप भी नहीं दिखना चाहिए तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हाइड कंपस वॉल्ट पर क्लिक करेंगे, हाइड कंपस वॉल्ट ये डिसेबल्ड होगा, मैजिक इसको आप इनेबल कर देना, मैजिक यानी कि जादू को आप चालू कर देना। यहां पर आपको बताया जाता है कि भाई ये कोड आपको डायल पैड में डालना होगा इसको ओपन करने के लिए। बस यहां से आप इनेबल करेंगे ना कुछ देर के बाद आपके फोन से ये ऐप हाइड हो जाएगा। कुछ टाइम लगता है, कई बार कुछ फोन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। अब आपको अगर ओपन करना है तो सीधा डायल पैड में जाइए और वही कोड डायल कर देना जो आपको शो करा था वहां पर, ***#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 
सभी ऐप पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को जितना हो सके उतना भैया शेयर कर दो, ताकि आपके अलावा उनका भी प्यार मुझे मिलता रहे और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, नए नए यूजफुल ऐप्स और ट्रिक्स आपके लिए लेकर आता रहूं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, बाय बाय और टेक केयर।